नित्य नरश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनं हरि। नागत है मोरा, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव चोर। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज की शुरुआत इसी महामंत्र से करते हैं। थोड़ी देर के लिए इसी दिव्य महामंत्र का जप करेंगे और आज का जो दिन है बड़ा ही परम पावन है। आज भगवान जी का 5248 साल भगवान जी के जन्मदिन को हो गए, 5248। तो आज के दिन जो भजन करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आए भजन करने का प्रयास करें, महामंत्र से शुरुआत करते हैं। उठाइए सभी हाथ। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
जरा दोनों हाथ उठा करके थोड़ी थोड़ी तालियों की सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सभी दोनों हाथ उठाई और मेरे साथ कहना हरे कृष्णा बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान जी का जन्मदिन का पावन अवसर ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आजकल की दुनिया तो ऐसी हो गई अपने बच्चों का भी जन्मदिन नहीं मनाती है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है जो 5248 साल बाद भी अपने भगवान जी का जन्मदिन पूरे नाच और गाकर के मनाते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आओ जरा भगवान जी को एक नजर देख लेते हैं, क्या पता लगे आज नजर आ ही जाएं। और जन्माष्टमी के पावन दिन के ऊपर तो वो जरूर दिखते हैं। पिछली बार हमने किसी एक भक्त को कहा था कि आज आपको भगवान दिखेंगे और सपने में आएंगे, और जैसे स्टेज से कहा तो दूसरे दिन हमें लगभग 10-11 लोगों के मैसेज फोन आए कि गुरु जी सच में कृपा हो गई, बिहारी जी आज सपने में आए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कितने लोग हैं जो देखना चाहते हैं? अच्छा सभी चाहते हैं, क्या बात है। आपके साथ मैं भी हूं, मैं भी चाहता हूं। जहां तुम छिपे हो। अच्छा भगवान छिपे कहां? अपने दिल में छिपे। तो करो जरा आंखें बंद और देखो अपने मन में जरा। यहां तुम छिपे हो। भजन कहता है कि जहां तुम छिपे हो, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख लेना, आंखें बंद कर लेना। यहां तुम छिपे हो, इधर देखना है मेरी जान तुम्हें एक नजर देखना। मेरी जान तुम्हें देखना, तुम्हें एक नजर देखना, तुम्हें एक नजर देखना। जहां तुम छिपे हो, जहां तुम छिपे हो, जहां तुम छिपे हो, जहां तुम छिपे हो, उधर देखना तुम्हें नजर देखना है।
एक कन्हैया राम बन करके दिल्ली के यहाँ पहुंच गए और श्याम बन करके विदुर जी के यहाँ पहुंच गए। नहीं, हमारे घर में कोई पाबंदी है क्या? क्या कोई नो एंट्री है? अरे हम भी तो वैसे ही हैं, वो भी भजन गाते थे, हम भी गा रहे हैं। और देखो आपको इशारा करके बता भी रहे हैं कि गौशाला में बैठे, कर लो जरा इशारा। ज्यादा भीड़ हो ना तो ऐसे इशारे करने पड़ते ही हो। उठा लो हाथ। विदुर फील दी हरि तुम उल्फत में तर देखना है, तुम्हें अपने उल्फत में तर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। जहाँ तुम छिपे हो, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। दोनों हाथ उठाकर कहना जरा, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर
बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा एक नजर देखना है कन्हैया, अब इतना ना तड़पाओ। ए मुरली वाले मेरे कन्हैया, देखो जी हम तो श्याम सुंदर के बिना तड़पते रहते हैं, इसलिए हम साल में कम से कम चार बार, कम से कम, ज्यादा जितनी बार भी हो जाए, पर कम से कम चार बार वृंदावन की यात्रा जरूर करते हैं। अभी भी जा रहे हैं 11 सितंबर से, चलना होगा तो बता देना, वहां कथा है हमारी। बोलो हरे कृष्ण। देखिए स्थान प्रधान होता है, अभी देखो सर पे बाल है ना, अच्छे लगते हैं, जुल्फें अच्छी लगती हैं सर के ऊपर, लेकिन यही बाल अगर थाली में गिर जाए अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। अच्छा कहीं भोजन में आ जाए बाल, कितना बुरा लगता है। इसलिए स्थान की वैल्यू है। तो भैया जब तक आप स्थान की यात्रा करोगे नहीं, जब तक आप वृंदावन धाम में जाओगे नहीं, जब तक आप नजदीक के मंदिर में, नजदीक की गौशालाओं में, उन धामों में जाओगे नहीं, तब तक शोभा बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए नजदीक के मंदिरों में रोज जाना और साल में कम से कम चार बार कहां जाना, वृंदावन, और किसी भक्त के साथ जाना, हाय 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 जाने का आनंद ही कुछ और होता है। देखो उनके मैंने बिना तड़प रहे हैं, उठाना जरा हाथ। तुम्हारी यादों में प्राण प्यारे, आंखों से आंसू झलक रहे हैं, ए मुरली वाले मेरे कन्हैया, बिना तुम्हारे तड़प रहे। 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 चल रहे हैं
के सामने आ। हम तेरे बिना कहीं दिल लगता नहीं, क्या करें तेरे सिवा कोई जचता नहीं। एक तुम ही मेरी आस हो, अब लगता है तेरे बिना ये जीवन बचता नहीं। मुझे है चाहत बस एक तेरी, मुझे है चाहत बस एक तेरी, मुझे है चाहत बस एक तेरी, मुझे है चाहत बस एक तेरी। ना छोड़ना तुम मुझे अकेला, ना छोड़ना तुम मुझे अकेला, ना छोड़ना तुम मुझे अकेला, मुझसे बस इतना सा ही कह दो, मुझसे बस इतना सा ही कह दो, मुझसे बस इतना सा ही कह दो, मुझसे बस इतना सा ही कह दो। मिलने को तो बस हम चल रहे हैं, सांवरिया सरकार की, बोलिए बंसी बारे की, दोनों हाथ गाकर कहना राधे राधे, प्रेम से कहना हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। भागवत जी के दसवें स्कंद का बड़ा सुंदर सा एक प्यारा सा श्लोक है, इसका अर्थ भी सुनना और पहाड़ी आपको भजन भी सुनाते हैं, पर भजन उन्हीं को सुनाएंगे जो ये चाहते हैं कि सांवरिया हमारा दिल ले जाए। देखो हम तो चाहते हैं, आप भी चाहते हैं दिल ले जाए, कितने लोग हैं जो चाहते हैं दिल ले जाए।
नहीं पक्के वाले कितने पक्के वाले सारे पक्के वाले देखो जी अच्छा जेडे पक्के वाले है एक गल तां दसो मैनू वृंदावन साल च किन्नी बार जांदे एक बार आले किन्ने है अच्छा दो बार आले तीन बार आले चार बार आले जेडे चार बार आले मैनू लगता भी उन्होंने दिल दे दिता है क्योंकि जिदा दिल चोरी हो जाता वो बार बार गलियां च गेड़े लांदा तुसी गेड़ियां तां लांदे नहीं उत्थे असीं तां चौथे महीने भज्जे ही रहिंदे आ बोलो हरे कृष्णा जोर से बोलो भाई ये जोर है इतने जोर से बोलो कि टेंट हिल जाए बोलो जरा जोर से हरे कृष्णा मेरी कल्ले दी आवाज इन्नी है लाओ जरा जोर हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये जो भजन है ये जब हमने गाया इस भजन की वजह से मुझे देश विदेशों में जाने का मौका मिला और ये एक बहन ने गाया है हमारे बिलासपुर की वो माता थी जिनका नाम गंबरी देवी था उन्होंने ये लोकगीत गाया था मोर मुकुट रंग कालिया मन मोलिया कुंडला उतना सुंदर तो हम गा नहीं सकते पर जैसी टूटी फूटी वाणी है वैसा गाने की कोशिश करें पहले श्लोक सुनते हैं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विप्रदवास कनक गपिशम वैजयंतीं च गीत कीर्ति ये राग पहाड़ में है जरा थोड़ी आंखें बंद करना जिनको सच में भगवान से प्यार है वो आंखें बंद कर लो और मन ही मन में जो मैं कहूं उसे देखे सर पर मोर पंख लगा है बड़ा सुंदर गोल मटोल चेहरा है आंखों में काजल पड़ा है कानों में कुंडल है होठों पर लालिमा लगी है गले में वैजयंती माला मोर मुकुट रंग है भैया मोर मुकुट है रंग सांवला है पीला पीतांबर डाला है पांव में सुंदर सी पायल है हाथों पर राधा जी ने मेहंदी लगाई है पांव पर सिंदूर लगाया है मेरा बांका बिहारी कितना सज के आया है हाय 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 अब आंखें खोल के सीधा आकाश की ओर देखना ऊपर को हाय और देखना ऊपर छवि निहारने की कोशिश करना अब जरा सामने देखना बोले सांवरिया सरकार की पांके
बिहारी लाल जय मन मोलिया कुंडला भैया दिल देने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐ मैंने कोई दिल ले जाता बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम ही देखो रात को लेट सोना भगवान की याद में बैठे रहते हैं और सुबह जल्दी उठ करके फिर बैठ जाते हैं, फिर नहा धो कर के रहो है जी, फिर कुंडलाने बाल रखो कुंडल पाओ, पता नहीं क्या क्या करना पैदा थानू नहीं पता कि पता है बड़ा कुछ कपड़े पापड़ बेलने पेंदे जी तां भी अजे तक दिल लेने आया नहीं, असीं भी जिद्दी हैं असीं भी दे के छड़ना, वैसे साडा तां सौदा हो गया हां जी, तुसीं भी करना तो चुक लो हथ जिन्हां जिन्हां ने करना है, अज जन्माष्टमी का टाइम है हथ थले ना रखियो उठा लो जरा हथ, मोर मुकुट रंग काले आओ मन मोलिया कुंडला वाले आओ मन मोलिया हारा वाले आओ जामा जामा बजा
ए बिगड़ी बना लो जरा, हाय हाय बीच वाले नंबर ले गए, पीछे वाले भी रह गए, आगे वाले भी रह गए। बिगड़ी बनाने रास रचाने, बिगड़ी बनाने रास रचाने, वाले आओ मन मोलया गुंडला, वाले आओ मन मोलया, वाले आओ लेकिन जिस कमरे में ठहरे फोटो वहीं भूल गए और बस में बैठ गए, और जब बस आ गई ना 50 किलोमीटर दूर, फिर याद आई, बस आते आयो तेरी याद फोटो रेगा तेरे कमरे, बस आते आयो तेरी याद फोटो रेगा तेरे कमरे, बस आते आयो तेरी याद फोटो रेगा तेरे कमरे, बस आते आयो तेरी याद फोटो रेगा तेरे कमरे, बस आते आयो तेरी याद फोटो रेगा तेरे कमरे, बस आते आयो तेरी याद फोटो रेगा तेरे कमरे, बस आते आयो तेरी याद फोटो रेगा तेरे कमरे, बस आते आयो तेरी याद फोटो रेगा तेरे कमरे। भैया जिसको भी याद आ रही है श्याम सुंदर जी की, याद हो जरा हाथ, तेरे करके दिल पानी भराया
देखो भाई, नाचने वाले तालियां बजाने वाले चिंता मत करना, जिन्होंने व्रत रखे उनके लिए फलहार बना है, अरे जिन्होंने नहीं रखे उन्हें वास्ते रोटियां। जानो थोड़ा जोर, हाँ गौशाला आयो तेरी याद फुटूरेगा तेरे मंदिर, गौशाला आयो तेरी याद फुटूरेगा तेरे मंदिर, बरसाते आयो तेरी याद फुटूरेगा वृंदावन में, बरसाते आयो तेरी याद फुटूरेगा वृंदावन में, तेरी तेरी खातिर सेज बचाई, एक दो में आप भी हैं, ऐसे करो हाथ जो है। अब क्या कहना है, वो मेरा दिल नहीं लगता हो मिले बेगाना नहीं जाता, ढूंढने
अपना ही जाता है। बेगाने को क्या पढ़िए, अगर आप श्याम जी को अपना समझते हैं, इशारा करना जरूर, अच्छा समझते हैं, क्यों ढूंढ आई मैनू सब ते प्यारा तू श्यामा मिलिया चोरी चोरी मैनू सब ते प्यारा तू श्यामा मिलिया चोरी चोरी मैनू सब ते प्यारा तू श्यामा मिलिया चोरी मैनू सब ते प्यारा तू श्यामा मिलिया उठा दो हाथ गंगा में ढूंढ आई यमुना में ढूंढ आई 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 सब ते प्यारा तू ओ श्यामा मिलिया चोरी चोरी सब ते प्यारा तू ओ श्यामा चोरी चोरी मेरा दिल नहीं लगता हो ओ श्यामा माया चोरी सूरज में ढूंढ आई चंदा में ढूंढ आई 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 मैनू सब ते प्यारा तू ओ श्यामा मिलना बहुत जरूरी सब ते दिल नहीं लगता हो ओ श्यामा आया चोरी चोरी दिल नहीं लगता हो श्यामा आया चोरी चोरी बड़ी सोनी लगती हो ओ श्यामा दो जड़िया दी जोड़ी बड़ी सोनी लगती हो ओ श्यामा दो जड़िया दी जोड़ी जिसको भी लगता है कि श्याम जी के साथ अपनी जोड़ी जचती है अपनी अपनी तो अपनी तो जचती है अगर आपकी भी जचती है उठाओ हाथ बड़ी सोनी बड़ी चंगी बड़ी प्यारी लगती हो वो श्यामा तेरी मेरी जोड़ी बड़ी प्यारी लगती हो वो श्यामा तेरी मेरी जोड़ी बड़ी सोनी जचती हो वो श्यामा दो जने आगी जोड़ी बड़ी प्यारी लगती हो वो श्यामा दो जने आगी जोड़ी वो श्यामा दो जने आगी जोड़ी वो श्यामा दो जने आगी जोड़ी वो श्यामा तेरी मेरी जोड़ी वो श्यामा तेरी मेरी जोड़ी वो श्यामा दो जने आगी जोड़ी वो श्यामा भाई जिसे भी लगता है कि अपनी जोड़ी तो श्याम जी के साथ जचती है उठा लो जरा हाथ
सारिया ही लगता आए हाय मेरे भी भाग खुल गए मैं भी बड़े चंगे लोग आ गया हा 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 सारे का क्या कहना उठाओ जरा और बोलो साथ में जरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा देखिए भाई जोड़ियां तो बनाने से बनती हैं समझो तो भगवान के साथ बन गई ना समझो तो घर वालों के साथ भी नहीं बनती समझो तो गंगा जल है ना समझो तो बहता पानी है बोलो हरे कृष्णा भाई सारे बोलो जरा हाथ उठा के कह दो अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा प्यारी सी एक बात सुनाऊंगा और घटना सुनाऊंगा जो हमारे साथ एक यात्री की घटी ना सतयुग की सुनाऊंगा ना त्रेता युग की ना द्वापर युग की मैं 2018 की बात सुनाऊंगा पर एक बार प्यार से कह दो हरे कृष्णा थोड़ा जोर से बोलो जरा सारे ही बोलो थोड़ा प्यार से बोल लो बोलो हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा ये भाई बोलने का ढंग ही है जो परायों को भी अपना बना देता है और ये बोलने का ढंग ही है जो अपनों को भी पराया कर देता है हमारे साथ एक माता जी चली गई उनके पास लड्डू गोपाल थे अच्छा कितने लोग हैं जिनके पास लड्डू गोपाल हैं घर में सारे लाइन में अरे वाह वाह क्या बात है पिछली लाइन में लगा दो बड़े बड़े वाले फिर तो आपको बधाई हो बड़े बड़े पीछे बोलो हरे कृष्णा अच्छा कितने लोग हैं जो इनसे बातें करते हैं अपने दिल की बातें पूरे पर ना दस्या करो दिल दिया गल्ला इन्हों ही दस्या करो लोकी का मजाक ही उड़ाते हैं जी हाँ कोई भगवान का प्यारा मिल जाए उसे बता दो बोलो हरे कृष्णा भाई जोर से कहो जरा सारे बोलो अब वो बहन चली गई वृंदावन और ठाकुर जी को बार बार पूछती रहती थी आपने खाना है कुछ जब देखो तो बातें करती रहती और गर्मी तो नहीं लग रही है कभी ऐसे चुनरी झोले कभी मोर पंख हमने कहा माता जी ज्यादा सिर पे ना चढ़ाओ बिगड़ भी जाता है अच्छा जिन्होंने ज्यादा लाड प्यार कर दे कई बार बिगड़ भी जाते कि नाना जी ये मेरी सास ने मुझे दिया था और उस समय मेरे पास कोई बच्चा नहीं था सासू माँ ने मुझे दिया तो ये मेरा जेठा बच्चा यही है अच्छा हाँ दो और हैं पर उनको मैं ज्यादा देखती नहीं अच्छा वृंदावन में गए और 84 का उसकी यात्रा करनी थी महाराज हर जगह जाते मत्था टेकते ध्यान से सुनना एक जगह मत्था टेका भीड़ बहुत थी बोलो हरे कृष्ण उस भीड़ के बीच में जैसे ठाकुर आपने रखे हैं वैसे उस माता ने भी रखे लेकिन भीड़ में धक्के ज्यादा लगे जल्दी करो वो जल्दी के चक्कर में माता जी ने सोच लिया कि ठाकुर जी उन्होंने उठा लिए उन्होंने सोचा कि वो ले गई होगी अब ठाकुर जी वहीं रह गए और उनकी टोकरी किसी दूसरे को दे दी बोलो हरे कृष्ण अच्छा जिसको टोकरी मिली उसने कहा तो मेरे तो नहीं है वो बाहर गेट पर रख गया जिसके होंगे ले जाएगा वहां एक बाबा था उस बाबा ने उठा लिया कि भाई किसी का है तो ले लो और जाकर के यमुना के किनारे वो बाबा रेत में बैठ गया अच्छा वो माता भी निकल गई जिनके गोपाल थे
जब वो गाड़ी में बैठकर कोई 5-7 किलोमीटर चले, फिर गोपाल की आवाज आई, माँ मैं यमुना के किनारे बैठा हूं बाबा जी के पास। और वो एकदम उठी, अरे लड्डू कितने है, गोपाल कहां है? भाई तेरे पास था? मेरे पास तो नहीं कि मुझे आवाज पड़ी कि मैं कहीं यमुना के किनारे बाबा जी के पास हूं। ये 2018 की बात सुना रहा हूं, पुरानी लंबी बातें नहीं सुना रहा हूं। आप में से भी कई लोगों के चेहरे में जिनका देख पा रहा हूं, कई लोगों के भगवान बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल पास है, पर उनकी पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं है। कई लोग देख रहा हूं, बोलो हरे कृष्ण। अब आवाज तो पड़ गई पर यमुना तो बहुत लंबी है, अब कहां जैसे होंगे, क्या करें, कहां जाएं, क्या करें? बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण, जोर से कह दो। भाई ढूंढते ढूंढते आधा दिन बीत गया, पर कोई पता नहीं चला। आधा दिन हो गया, कोई पता ना चले, और उस माता का तो रो रो करके बुरा हाल हो गया। वो पानी ना पिए, खाना तो दूर की बात, हे भगवान अब क्या करूं क्या करूं। चलते चलते जब हार के थक गए, आकर के यमुना के किनारे बैठ गए, जहां पर वो ठाकुर जी बाबा जी के साथ बैठे, कि यमुना जी के पास ही बैठ जाओ। बोलो हरे कृष्ण। और कोई आधे घंटे के बाद वो बाबा जी आए, अरे भाई ये किसी के गोपाल तो नहीं है। और जब उस माता ने गोपाल को देखा, हाय हाय, उस प्यार का वर्णन मैं अपने शब्दों में, अरे बोल दो, नहीं कर सकता। ये बड़ा असंभव है, कैसे वर्णन करें? भैया ये ठाकुर जी आपने घर में रखे हैं, ये बड़े चमत्कार दिखाते हैं, पर निवेदन है इन्हें प्यार से रखना, और ऐसे रखना, इनसे बातें करना, और दिल की बातें ये सुनते हैं। हा हा हा, थोड़ी देर इनके पास बैठा कर, वो सौखी नहीं लगदी, उठा लेना जरा, सावरिया सरकार की जय, या छड़ दे इस दर नू बंदिया, या तो घर में लड्डू गोपाल रखना छोड़ दो, या बहम करना छोड़ दो। कितने लोग हैं जिन्होंने घर में गोपाल रखे, दोबारा हाथ खड़े करना, दिखाना जरा इनको सब। अब हाथ खड़े रखना, जो अगली बात पूछो, इनमें से कितने लोग हैं जो कभी बहम नहीं करते रहे? पक्का पक्का, और रहने दो, बहम तो 2 मिनट में पड़ जाता है। कोई पक्के वाला जिसको नहीं पड़ता, हाथ खड़े करो। देखो अगर तो घर में भगवान रखे हैं, फिर तो बहम पड़ना ही नहीं चाहिए। पंडित जी मैं सवेरे चंगी बली थी, मेरे खबरे कि मैं जादू टोना करते हैं, ना तो के अपने शीशे के सामने खड़ी हुई, वारी जामा कितनी सोहनी, बस थोड़ी देर बाद सोनी नो लग रहा ग्लूकोस, वो लग गई अपनी नजर लग गई। बहम नहीं करना, अगर घर में भगवान रखे हैं तो बहम, अरे बोल दो, या छड़ दे इस दर नू बंदिया, या छड़ दे सरदारी, या घर में भगवान जी को ना रखिए, या बहम ना करिए। वो सौखी नहीं लगदी सावरिए नाल यारी, 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 या छड़ दे इस दर नू बंदिया, या छड़ दे
तुझे राम जी मिलेंगे और जब तक राम जी मिलेंगे नहीं मेरा आशीर्वाद है तेरा शरीर छूटेगा नहीं। शबरी बांकों कौन उड़ीका कर सकता, शबरी बांकों कौन उड़ीका कर सकता, जिदते अड़ गया और तुसी भी जरा जित फड़ लियो भजन करने दी। था था ते उते खेल दे आरे, सौखी नहीं मिल दी मुरादी सेवादारी, सौखी नहीं लग दी सावरी में नाल यारी, सौखी नहीं लग दी सावरी में नाल यारी, या छट दे इस दर रूप दे सौखी नहीं मिल रही सावरिए यारी, बिच बै बै रोना पैंदा है, याद तो जी बिच बै बै रोना पैंदा है, हाँ याद तो जी बिच बै बै रोना पैंदा है, याद तो जी बिच बै बै रोना पैंदा है, इश्क ओदे बिच पागल होना पैंदा है, इश्क ओदे बिच पागल होना पैंदा है, इश्क ओदे बिच पागल होना पैंदा है, सारी सारी रात रोना पैंदा है। अरे ओ कन्हैया जिंदगी बीत गई भैया अभी तक आए नहीं, अरे 40-50-60 साल के हो गए अब तक मिले नहीं, क्या मरने के बाद आओगे बता दो, याद तो दी बिच बै बै रोना पैंदा है, याद तो दी बिच बै बै रोना पैंदा है,
सौखी नहीं लगती सांवरे सजन की मोहल ने जादू भरी 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 बंसी बजाई धीरे सुन बंसी की तान सखी मेरा दिल हो गया बात उस समय की है जिस समय
श्याम सुंदर जी ने आधी रात को बंसी बजाई और आज भी आधी रात हो गई है। मैं थोड़ी देर बाद हम भगवान जी के जन्म की कथा आपको सुनाना शुरू करेंगे, उससे पहला थोड़ा जरा सांवरिये की बंसी सुन लें। उठा लेना जरा हाथ। कितने लोग हैं जो सांवरे के साथ बंसी की धुन में सच में नाचना चाहते हैं? नाचना दो प्रकार का होता है, एक तन का, एक मन का, और एक तन मन का। कईयों का तन ही नाचता है। वो कहाँ नाचता है? ब्याह दे विच, शादियों में, डीजे पे, कोई सियापा नहीं उठे, ना सौरे का फिक्र ना जेठ का, वो डीजे थोड़ा बेस बढ़ा दे। और यहां कोई नाचने लग जा रहे, यूं देखते हैं, असी नाचना। और एक होता है मन से नाचना, जैसे हम नाच रहे हैं आपके साथ। हम दो काम कर रहे हैं, गा भी रहे हैं और जब सांवरे सजन की बांसुरी बजी, वो सांवरे सजन की बाजी रे बांसुरिया, ऐसे नहीं पहले पुकारिए थोड़ा, हाथ भाई जरा। अरे क्या बात है, सांवरे सजन की बाजी रे बांसुरिया, सांवरे सजन की बाजी रे बांसुरिया, बाजिया दी रात नींद उड़ाई रसिया। ऐसे नहीं बन रही बात, ऐसे उठाओ जरा हाथ। जिनके दोनों हाथ ठीक हैं वो उठा लो, जो चाहते हैं ठीक रहे वो भी उठा लो, बाकी जो नहीं चाहते हैं कि थोड़ी पीड़ पूड़ हो जाए वो मत उठाना, हुण थोड़ी मर्जी है। मेरे तो पड़ोसियों के भी हाथ खड़े हैं, देख लो वो कर लो खड़े कुमार। उठा लो जरा हाथ। पहले ऐसे ही गाना, हम वो सांवरे सजन के बाजे रे बांसुरिया, सांवरे सजन के बाजे रे बांसुरिया, बाजिया भी रात नींद उड़ाई रसिया, गोडिया च पीड़ है, मैनू पता लग गया कि दो चार जनिया है बेचारिया, इन्हों के ताड़ी का बजा दो। उठा लो जरा हाथ, बैठे बैठे कर लो।
सांवरे सजन की बजीरे बांसुरिया सांवरे सजन की बजीरे बांसुरिया बाजी आधी रात नींद उड़ाई रसिया सांवरे सजन की बजीरे बांसुरिया सांवरे सजन की बजीरे बांसुरिया समझ ना आए कैसी होगी पिया से मुलाकात
गई बन ठन गए मैं तो ऐसी गई री बन ठन के श्याम मेरा पीछा ना छोड़े मैं तो ऐसी गई री बन ठन के श्याम मेरा पीछा ना छोड़े मैं तो ऐसी गई री वृंदावन में श्याम मेरा पीछा ना छोड़े साथ ना छोड़े मेरा हाथ ना छोड़े मेरा साथ ना छोड़े हाथ ना छोड़े मेरा हाथ ना छोड़े मेरा साथ ना छोड़े कितने लोग हैं जो चाहते हैं श्याम जी कभी साथ ना छोड़े एक तो मैं एक आप है तीसरा तो कोई है ही नहीं उठाओ फिर आज साथ ना छोड़े मेरा हाथ ना छोड़े मेरा साथ ना छोड़े हाथ ना छोड़े मेरा हाथ ना छोड़े मेरा साथ ना छोड़े मैं तो ऐसी गई री बन ठन के श्याम मेरा पीछा ना छोड़े श्री राधे मैं तो ऐसी गई री मन घट पे श्याम मेरा साथ ना छोड़े साथ ना छोड़े मेरा हाथ ना छोड़े मेरा साथ ना छोड़े सभी ने गाना है साथ में उठाओ जरा हाथ
हूँ मैं तो ऐसी गई वृंदावन में, श्याम मेरा पीछा ना छोड़े री, ओ मैं तो ऐसी। साथ ना छोड़े मेरा, हाथ ना छोड़े मेरा, साथ ना छोड़े री, अरे क्या बात। मैं तो ऐसी गई री बन ठन के, थोड़ा बन ठनना पड़ता है। ये कुछ दिन पहले हमें हमारी एक बहन ने गिफ्ट की, ये चांदी का है, बोलो हरे कृष्ण। मैं तो ऐसी गई री बन ठन के, श्याम मेरा पीछा, मैं तो ऐसी गहरी बन ठन के। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि श्याम कभी साथ ना छोड़े, एक तो मैं चाहता हूँ, एक आप चाहते हैं, तो कह दो जरा जोर से। मैं तो ऐसी गहरी, साथ ना छोड़े मेरा, हाथ ना छोड़े मेरा, साथ ना छोड़े री, अरे क्या बात है भाई। नहीं तुसी तो बड़ा सोहना गाँदी हाँ, तुसी तो बहुत ही चंगी हैं, बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो भाई, ये जितने भी देवता खड़े हैं बोलो जरा हरे कृष्णा, पीछे वाले भी बोल लो। वैसे मौजा तो पीछे वाले ही लुटते हैं, ये नचते ही रहते हैं, इधर वाले भी खूब मौजा लुटियां। मेरी नजर सारिया पर ही है, जे बाहर गप्पा मार रहे मैं उन्होंने भी देख रहा, बोलो हरे कृष्णा, सारे ही बोलो। अच्छा जब बन ठन के गए तो बंसी वाले से अखियां लड़िया, बस कोई ना चले जा मेरा, वो बंसरी वालड़िया। पहले ऐसे ही गाएं, उठाओ जरा, वो बंसरी वालड़िया, अखियां तेरे नाल लड़िया, मुरली वाल लड़िया, अखियां तेरे नाल लड़िया, बस कोई ना चलिया मेरा, बस कोई ना चलिया मेरा, मैं तां रुकियां बड़ियां बंसर वालड़िया। कितने लोग चाहते हैं जो आंखें लड़ जाएं? देखो एक तो मैं चाहता हूं, मैं तो रोज ही लड़ांदा, तुसी भी लड़ांदे अखियां, कोई इधर उधर ना लड़ाया करो, लड़ाइयां होंदियां है ना, पड़ोसियां नाल तां जमा नहीं लड़ाया करो ना, अखां एक ही जगह लड़ानियां बस इहदे नाल ही, ते बैठे ना सामने बंसी वाला, ये मौजा ही मौजा है, जिंदगी दे नाल भी जिंदगी दे बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, ये असली बीमा। अज थोड़ा बीमा करते हैं, जैसे टेंशन नहीं लेनी, एक करोड़ रुपये का, अरबा रुपये का, उठा लो हाथ। बस कोई ना चलिया मेरा, बस कोई ना चलिया मेरा, मैं तो रुकिया बड़िया मंजर वालड़िया, लड़िया वो अखियां तेरे नाल लड़िया, सारी वाल लड़िया अखियां।
अखियां तेरे नाल लड़िया मुरली वाल लड़िया अखियां तेरे नाल लड़िया मुरली वाल लड़िया अखियां तेरे नाल लड़िया तू बस कोई ना चलिया मेरा 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 मैं तां रुकियां बड़िया बंसर वाल लड़िया बस हो गई मैं तो तेरी बस हो गई मैं तो तेरी बस हो गई ओ तेरे नाम दी बन के जोगण तेरी ही बस हो गई मैं तो तेरी बस हो गई मैं तो तेरी बस हो गई मैं बिरहन नो तू अपना ले बिरहन नो तू अपना ले मैं बिरहन नो तू अपना ले मैं बिरहन नो तू अपना ले ऐवे ना कर अड़िया बंसर वाल लड़िया दुनिया देना
तोड़ के आता तेरे नाल में जोड़िया मोहन तेरे नाल में जोड़िया मोहन तेरे नाल में जोड़िया वो दुनिया दे नाल तोड़ के आता तेरे नाल में जोड़िया मोहन तेरे नाल में जोड़िया मोहन तेरे नाल में जोड़िया तू ही मेरे सिर दा साई तू ही मेरा दाता मोहन तू ही मेरा दाता मोहन तू ही मेरा दाता वो तू ही मेरे सिर दा साई तू ही मेरा दाता मोहन तू ही मेरा दाता मोहन तू ही मेरा दाता तेरे पीछे सब जग छड़िया 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 तेरे द्वारे खड़िया बंसल वा लड़िया कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से कुछ समय सा निकालो मन लगे राधे श्याम भैया वो घड़ी बड़ी जल्दी आने वाली है ठाकुर जी आने ही वाले हैं सजग रहना ऐसा ना हो आकर चले भी जाएं आधी रात को बताए भगवान क्यों आए कि पता लगेगा कौन कितनी देर बैठा बरसात का पानी होता है ना देखा बद्दी च भी हड़ आ गया नालागढ़ भी आ गया ये छोटी छोटी नदियां भी सोचनिया सी खबरें क्या कर देना बरसाती पानी जितना जल्दी आता है उतना जल्दी ही चला जाता है असी तुसी बरसाती पानी नहीं बनना असी तो पूरे 12:15 बजा के जाना बरसाती पानी पहला पहला ही निकल लेता बोलो हरे कृष्णा हुण तुसी पक्की नहरा है भगवान जी आने वाले हैं थोड़ी देर में 11:15 तो हो गए अब तो समय ही कुछ नहीं रहा लोग असी पूछते सत्संग च क्यों नहीं आते कहता काम है जी ओ कम बंदिया ये नहीं मुकने कम कम बंदिया तेरे मुकने नहीं हो कदे मुकने नहीं हो बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया गा लो जरा अच्छा सच्ची बात है कि नहीं है बताओ ये काम नहीं खत्म होने
ना थोड़े बुजुर्गों के खत्म होए काम नहीं मुकने जिंद मुक जाए ये जिंदगी चली जाएगी काम कभी समाप्त अरे बोल दो वो बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया मुकदा बंदे आ तेरे मुकने नहीं हो कदे मुकने नहीं हो बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया तेरे मुकने नहीं हो कदे मुकने नहीं हो बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया भगवान को याद करते हैं भगवान जी को आना ही पड़ता है भाई मैं किनो किनो दसा गोपाल दिया गल्ला किस किस को बताऊं भैया ये श्याम सुंदर कब कृपा कर दें कोई पता नहीं और कैसे कृपा कर दें ये भी पता हमारे साथ एक और घटना घटी
हमारे यजमान अंबाला भी थे, ये 2016 की घटना है। बोलो हरे कृष्णा। दोनों पति पत्नी भगवान जी को घर से ही भोग बनाकर ले जाते हैं और बिहारी जी को लगाते हैं, लेकिन जब तक बिहारी जी को भोग नहीं लगता तब तक वो रास्ते में कहीं पानी भी नहीं पीते, इतना पक्का संकल्प है उनका। एक बार बड़े प्रेम से उन्होंने भोग बनाया, प्रसाद लगाया, टिफिन में बंद किया, तुलसी का पत्ता रखा और वृंदावन की ओर चले। अब जाने में आपको पता ही है, एक दिन तो लग ही जाता है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, वहां जाकर के स्नान किया और सीधे बिहारी जी के मंदिर में। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अच्छा, बिहारी जी के मंदिर में भीड़ बहुत थी, उस भीड़ में पुजारी ने टिफिन लिया, यूं किया, वापिस दे दिया। अब दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख लगा, दोनों की आंखों से आंसू आ गए, हाय हम इतनी दूर से इतने प्यार से बनाकर लाए। और दोनों को धक्का भी लगा, बेचारे बाहर निकल गए, गेट पर बैठकर रोने लगे और बिहारी जी को कहने लगे, ओ कभी ढंग से भी खा लिया कर, तू इतने बड़े संसार का मालिक है और ऐसे खिलाया तुझे, कभी अपनी पास सच बोलिया होना, ढंग नाल भी खा लिया कर। बोलो हरे कृष्ण। काफी देर रोते रहे। अब देखना ये ठाकुर जी कैसे खेल करते हैं। एक बार प्रेम से कह दो हरे कृष्ण, थोड़ा जोर लगा दो, तुसी टेंशन नहीं लेनी, फलार भी बनिया वा, नाले रोटियां भी बनिया हुई है, जोर नाल कह दो एक बार, जरा असी तो खानिया नहीं, तुसी खा ले। बोलो हरे कृष्ण। असी तो पहले ही कोटा फुल कीते होया। बोलो हरे कृष्ण। भाई दोनों हाथ उठा के कह दो जरा, जेडे बाहर वाले भी ये भी कह दो हरे कृष्ण, ये पीछे वाले भी बोल दो जरा। हाँ, ये जेडे द्वाला ते बैठे है जरा ला दियो जोर हरे कृष्ण। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे ही बाहर आए सामने एक भिखारन मिल गई कि बड़े प्यार से मिलना, सबको तू इंसान रे, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। बाहर भिखारन थी, बड़े ध्यान से सुनना बात। बोलो हरे कृष्ण। अब क्या हुआ, अब ये जो भिखारन है, ये पति पत्नी दोनों आइसक्रीम खाने की सोचने लगे। सामने एक रेवड़ी वाला था कि चलो रेवड़ी खा ले। बोलो हरे कृष्ण। अरे वो रेवड़ी वाले जरा लगाना रबड़ी, बड़ी सी बढ़िया सी रबड़ी लगाई, मलाई मार के पकड़ो पकड़ो इसको, जरा बिठाओ नीचे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जोर से बोलो भाई। इतने में भिखारन आ गई, अरे ओ थोड़ी रेवड़ी रबड़ी मुझे भी खिला दे, खिला देना मुझे। अब वो जो दोनों पति पत्नी थे, तुझे रबड़ी खानी है पकड़ 50 रुपए उससे खा ले। अब वो भिखारन गेड़ी बड़े पैसे दिखा रहा है, बड़े पैसे तेरे पास, जो तू खा रहा है ना ये खानी है और तेरी झूठी खानी है, दोनों की खिलाओगे? कहने नहीं खिलाएंगे। अच्छा, काफी देर बहस हुई। बोलो हरे कृष्ण। भिखारन 50 रुपए लेने को ना माने और वो दोनों झूठा देने को ना माने, चलो छोड़ो पागल है। अब दोनों पति पत्नी कमरे में आ गए, आकर के जैसे ही सोए
भगवान सपने में आ गए ये कृष्ण कन्हैया। कहने लगे जब मैं ऐसे खाता हूं फिर तुझे अच्छा नहीं लगता, जब तेरा जूठा खाने आता हूं फिर तू देता नहीं। अभी भिखारन बन के मैं खड़ा था तो खिलाया नहीं। अब दोनों पति पत्नी को एक ही सपना आया, खड़े हो गए। सुनो जी, वो बोलती तू भी सुन कि चलो ढूंढते हैं। अब भागे, लाला जी को पूछा यहाँ कोई भिखारन थी कि ना भैया तुम्हारे साथ तो कोई नहीं था, तुम 50 का नोट हिला रहे थे बार बार, अपने ये रबड़ी वाली जो ढूंढना था आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे साथ कोई भिखारन खड़ी? अरे बोल दो। तो इनकी कृपा कब हो जाए कैसे हो जाए ये पता ही। मैं किनो किनो दसा गोपाल दिया गल्ला, मैं किनो किनो दसा गोपाल दिया गल्ला, गौशाला बिच दसा गोपाल दिया गल्ला। हाथ चुक लो भाई, ऐनी गल बननी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੈ। ਲੈ ਤਾਂ ਆਤਾ ਹੀ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, उठा लो हाजर। मैं किनो किनो दसा गोपाल दिया गल्ला, 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 गोपाल दिया गल्ला, नंद लाल 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 दिया गल्ला, मैं किनो किनो दसा गोपाल 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 दिया गल्ला। दुनिया है ठुकरा दे जिसनों उसनों गड़ना लांदा, दुनिया है ठुकरा दे जिसनों उसनों गड़ना लांदा, सुपने सारे कट जाते आपे मन्ने 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 लांदा, बन जाता है अपना मोहन, बन जाता है अपना मोहन, रिक्या नाल निभांदा। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਨੋ ਕਿਨੋ ਦੱਸਾਂ
मैं कीनू दसा गोपाल दिया गल्ला नंद लाल दिया गल्ला गोपाल दिया गल्ला नंद लाल दिया गल्ला नी मैं कीनू कीनू दसा गोपाल दिया गल्ला नी मैं कीनू कीनू दसा नी मैं सारियां नू दसा नंद लाल दिया गल्ला नी मैं सारियां नू दसा बोलो हरे कृष्ण सारी बोलो आओ जरा नंद लाल दिया गल्ला दस लिए लोगों किदा किदा जन्म होया हमारे बांके बिहारी कैसे अवतार लेते हैं बोले हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण सारे बोलो थोड़ा लालो जोर कुछ नहीं कटता थोड़ा बोलो जोर नाल थोड़ा नहीं टैक्स लगता जोर नाल बोलो जरा इन्नी जोर नाल बोलो कि टेंट बोलो जरा हिलिया भी नहीं लाओ जोर जरा हरे कृष्णा भैया आप जानते ही हैं द्वापर युग का समय था कंस का राज था अत्याचार बहुत बढ़ गए थे और कंस ने अनाप सनाप टैक्स लगा दिए थे। देखिए खाने पीने की चीजों पर कभी टैक्स नहीं लगना चाहिए दूध दही घी मक्खन चावल दाल ये टैक्स से फ्री होने चाहिए इन चीजों पर कभी टैक्स नहीं लगता चाहिए बोलो हरे कृष्ण। महंगाई इतनी बढ़ गई कि जनता परेशान हो गई धरती माँ भी परेशान हो गई और धरती माँ ने गाय का रूप धारण किया संतों ब्राह्मणों को साथ लिया और भगवान के दर में पहुंच गई और भगवान जी से प्रार्थना करने लगी कहती है अपना दुखड़ा सुनाती है हे मेरे ठाकुर जी कब आओगे कब अवतार लोगे बोलो हरे कृष्ण सारे बोलो और भगवान जी का दरबार इतना सुंदर सजा था अंदर गए आप मंदिर में किस किस ने मत्थे टेके टिक्के भी लाए पैसे भी चढ़ाए आशीर्वाद भी लिया है जी हाँ तुसी तो बहुत ही चंगे मैंने पता थोड़ा बोलो हरे कृष्णा। अच्छा मेरा नाम जानते हैं सभी क्या नाम है जगमोहन क्या नाम है आपको ये पता है मैं कहां से हूं मैं आपके बहुत नजदीक से हूं बाबा हरिपुर जी का स्थान देखा है जयकारा हरिपुर वाले बाबा जी दा जयकारा ए इच्छाधारी बाबा जी का हरिपुर कितने लोग हैं जो गए हैं या जाते रहते हैं बस बाबा जी साढ़े पड़ोसी हैं अब श्राद्ध आने वाले हैं हम लोगों को स्पेशल निमंत्रण आता है और बाबा जी पैर धोते हैं ब्राह्मणों को हमें तो पहले पता ही नहीं था बस चले जाते थे छोटी उम्र में और जो बाबा जी समा गए वो हमें बड़े आशीर्वाद देते थे क्योंकि हमें थोड़ा चंचल स्वभाव का था बाबा जी ने पैर धोए और हमने कह दिया सुखी रहो लोग हंसने लगे कहता ऐसा कहते हैं बाबा जी को मैं क्या भाई मुझे तो पता नहीं और पैर धोते तो बुजुर्ग कहते हैं कि आशीर्वाद देना चाहिए बाबा जी ने कहा ये लड़का बहुत चढ़ती कला में रहेगा
भाई बाबा जी के वचन सत्य हो गए। एक बार जयकारा लगाना। जयकारा हरिपुर वाले बाबा जी महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय। तो बाबा जी के बिल्कुल पड़ोस में हम रहते हैं, गांव का नाम है ठेठपुरा। क्या नाम है ये पट्टा से? इधर हरिपुर वाले बाबा जी, उधर जोड़जी वाले, इन दोनों के बीच में हम बैठे हैं। हुण लोग सानू भी बाबा ही लगे कहने, और मैं कहे मैं तुझे मुंडा खुंडे मैं किथे बन गया बाबा? कहता ना ना तुसी बाबा जी है। मैं कहा दादा ना बना दे, बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोलो जरा। भाई हम तो नन्हे मुन्ने बालक हैं भगवान जी के, टूटी हुई वाणी से भगवान जी का भजन गाने की कोशिश करते हैं। देश विदेशों में ना जाने कहां कहां जाना होता है। अभी आपके नजदीक गौशाला में हमारी कथा चल रही है, कसंबोवाड़ में। वहां कल दिन में भगवान जी की शादी है रुक्मणी मंगल, और कल शाम को वहां ऐसे ही कीर्तन है जैसे आज यहां हो रहा है। आना सबने कल वहां, बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो। भगवान जी का दरबार इतना सुंदर सजा था, बिहारी जी इतने सुंदर सजे थे कि क्या कहना महाराज। गौ माता अपनी अर्जी लेकर पहुंची, संतों ने महंतों ने सबने अपनी हाजिरी लगाई है, पर भगवान जी ने कहा है मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, और मैं मथुरा में जन्म लूंगा, सीधा मैं गोकुल चला जाऊंगा। जिसने भी हमारा साथ देना है कोई मथुरा में आ जाए, कोई गोकुल में आ जाए, कोई ग्वाला बन जाए, कोई गोपी बन जाए, कोई पर्वत बन जाए, कोई ब्रजभूमि का पेड़ बन जाए, तो सारे देवी देवता अपना अपना अवतार लेकर के वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, नंदगांव में, गोकुल में प्रकट हो गए। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो, थोड़ा लगा दो जोर। मैं भी तो बैठे ही है, साडा भी जिगरा ही है, असि भी 9 बजे ते बैठे हैं, है जी, फिर असि बैठे ही रहना। बोलो हरे कृष्ण, ला दो जोर, हरे कृष्ण। भाई भगवान जी ने वचन दिया, आ गई धरती माँ वापिस, देवी देवता इंतजार करने लगे भगवान जी आने वाले हैं। और महाराज ये कंस महाराज को बताया लोगों ने, अरे अरे अब लोग विद्रोह करने वाले हैं, इसलिए महाराज कोई अच्छा काम कर लो। तो कंस जो है देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय कर देता है, और खूब आंसू बहाता है, डुप्लीकेट आंसू। बोलो हरे कृष्ण। कई लोग होते हैं ना, बस जिनकी आंखों पर आंसू, बस आंखों पर ही रहते हैं, और जब देखो मोटे मोटे आंसू। बोलो हरे कृष्ण। देखो भाई ये ओपोजिशन पार्टी बड़ी जरूरी होती है, ओपोजिशन ना हो तो सरकार तानाशाह बन जाती है, ओपोजिशन मजबूत होनी चाहिए। तो कंस के जो ओपोजिशन में है वो है देवता। बोलो हरे कृष्ण। और ये सारे देवता आकाशवाणी कर देते हैं, अरे ओ कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरी मौत होगा। जब कंस ने ऐसा सुना, तुरंत तलवार निकाल ली, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी,
लेकिन वसुदेव जी ने जैसे तैसे बचाया है और कंस ने अपने जीजा जी को और अपनी बहन को दोनों को जेल में डाल दिया कि थोड़ा साले से बच के ही रहना। बोलो हरे कृष्णा, जोर से बोलो साले के साथ ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, भेद खुल जाते हैं तो बस। बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो ऐसे रिश्तेदारों से तो भगवान ही बचाए भाई। बोलो हरे कृष्णा। महाराज एक दो तीन चार पांच छह इतने बच्चे तो मार दिए और जो सातवां बच्चा था उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। बोलो हरे कृष्णा। और आठवें गर्भ में भगवान की शक्ति आती है और जब भगवान की शक्ति आई देवी देवता सारे मिलकर के गर्भ महिमा गर्भ स्तुति गाते हैं। महाराज इधर एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है गोकुल। क्या नाम है? गोकुल के बीच में रहते हैं नंद बाबा और माँ यशोदा। यशोदा मैया ने ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की, ब्राह्मणों को माल पूड़े और खीर खिलाई। ब्राह्मणों का प्रिय भोजन कौन सा है? अरे बोल दो, खीर। बोलो हरे कृष्णा, जोर से बोलो भाई। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, अरे ओ मैया जा हमारा आशीर्वाद है तुझे, लाला होगा बेटा होगा तेरे, और जब तक बेटा नहीं होगा तेरे घर में पाठ करते रहेंगे, तो बढ़िया से मालपूड़ी और खीर चकाचक खिलाती रहे। मैया ने कहा मुझे तो ब्राह्मणों की सेवा में बड़ा मजा आता है। कई देवियां होती हैं जिनको सेवा में बड़ा मजा आता है, बड़ी खुश होती जो लोग घर में आ जाए, नाराज हो जाती हैं अगर कोई ना आए, रो पड़ती हैं। बोलो हरे कृष्णा। और कई ऐसे होती हैं रोज ही चले रहते मथे पर तिउड़ियां पियां अड्डी अड्डी मोटियां। बोलो हरे कृष्णा। वो भाई भागाला घर होंदा जिदे घर विच ब्राह्मण आ जाए। बोलो हरे कृष्णा, जोर नाल कह दो, वो सारे ही बोलो, हाथ उठा के बोलो, बोलो हरे कृष्णा। अब सब लोग प्रार्थना करते हैं, आओ जरा हम भी कर लें। कदे साड़ी गली बिया ओ बंसरी वालड़े आ। कितने लोग हैं जो चाहते हैं श्याम साड़ी गली भी आवे? देखो एक तो मैं हूं पर मुझे पता है एक आप हैं। जब बात दोनों की एक ही है तो उठा लो हाथ जरा। कदे साड़ी गली भी आ ओ बंसरी वालड़िया, साड़ी गली भी आ ओ बंसरी वालड़िया, साड़ी गली भी आ ओ बंसरी वालड़िया, साड़ी गली भी आ ओ बंसरी वालड़िया। घर भी फेरा ओ बंसरी वालड़िया, घर भी फेरा ओ बंसरी वालड़िया, साडे घर भी फेरा पा ओ बंसरी वालड़िया, घर भी फेरा पा ओ बंसरी वालड़िया, कदी साडी गली बिया ओ बंसरी उठालो हाथ जरा। केवल 10 मिनट रह गए, आने वाले हैं। Thank you.
रोज मैं तेरे मंदिर आवां, रोज मैं तेरे मंदिर आवां, रोज मैं तेनू याद करावां, रोज मैं तेनू याद करावां, रोज मैं तेरे मंदिर आवां, रोज मैं तेरे मंदिर आवां, रोज मैं तेनू याद करावां, अर्जुन बाबू कोल बैठा के, अर्जुन बाबू कोल बैठा के, वांग सुदामा गड़नल लाके, वांग सुदामा गड़नल लाके, वांग सुदामा गड़नल लाके, वांग सुदामा गड़नल लाके, कुछ सुन तेरे अपनी सुना ओ बंसरी वालड़िया, तेरे अपनी सुना ओ बंसरी वालड़िया, कदी साड़ी कदी मीरा ओ मुरली वालड़िया, कदी साड़ी कदी मीरा ओ बंसरी वालड़िया। बसाने वाले हैं उठा लो हाथ, कर लो पुकार, भाई मूसलाधार बरसात होने लगी और श्याम सुंदर जी अब प्रकट होने ही वाले हैं, जरा हो जाइए खड़े। चौथा भाई उठाओ जरा हाथ, लो जी आज तो लाइव ही हो गया, क्या बात है। चौथा वाह क्या बात है, कोई बात नहीं ठीक जाएंगे और क्या होगा, टेंशन ना सानो, जिन्हों के लाख लाख रुपए इंस्ट्रूमेंट है, हाथ डालो जरा। तेरी गली बिच आशा रात हो गया Yeah.
ਤੈਨੂੰ
बीमारियां लग गई सानू कोई बीमारियां नहीं है चुगलो जरा हाथ ओ इतना रोग पुराना नहीं चाहे लोग गोलियां बोले भगवान जी का जन्म और बारिश लगता है दोबारा से आज द्वापर युग ही आ गया लाल की लख रुपए की कोशिश कर ले मैनो ये जगवाड़े प्रीतां कदे कैद ना होइया लख लगा दो ताले प्रीतां कदे कैद ना होइया ताले तोड़ के जाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले ताले तोड़ के जाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले ताले तोड़ के जाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले ताले तोड़ के जाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले मैं ना यार बनाऊंगा नहीं चाहे लोग बोलियां बोले मैं ना यार बनाऊंगा नहीं चाहे लोग बोलियां बोले मैं ना रखना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले Thank you.
बस जोत बजाना, जोत नीचे, जोत नीचे, कपड़े बजाना कपड़े। Thank you.